हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए अपन लेकर आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का ही लेक्चर नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। अपन ने अपने पिछले लेक्चर्स में बात किया था फ्लूइड डायनेमिक का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड कितने टाइप का होता है, यानी फ्लूइड में जो फ्लो होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है फ्लूइड डायनेमिक का तो ज़रूर देखिए, ओके, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन सॉल्व कराई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसका यूज़ मैं आज की इस लेक्चर में करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज भी हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर कई सारी एप्लीकेशन बनी है और रियल लाइफ में भी हम कई चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं जो हम इसके बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे आज स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धमाकेदार, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स और बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है फ्लूइड डायनेमिक में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है वो होगा बर्नौली थ्योरम। क्या होगा स्टूडेंट्स? बर्नौली थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको अप्लाई करने में मज़ा आती है। ये क्या होती है, बेसिकली जो बेस्ड होती है ये थ्योरम, ये बेस्ड होती है एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे स्टूडेंट्स? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। ये जो थ्योरम हमारी बेस्ड होती है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखिए, बर्नौली थ्योरम के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब किस में होंगी? ग्राउंड के रेफरेंस में होंगी। ग्राउंड का रेफरेंस का मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें करेंगे वो ग्राउंड को बेस मानते हुए करेंगे, ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम पर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, इस टाइप से एक पाइप ले लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा और डायग्राम साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा एक पाइप, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, मस्त एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक, तो इसमें करेगा फ्लूइड फ्लो। हमने पहले ही बताया कि हम लोग इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब किसके लिए पढ़ेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। रियल फ्लूइड कौन से होते हैं, जो टर्बुलेंट फ्लो होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में आते हैं हमारे रियल फ्लूइड। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली किसके बारे में, स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया है अपना डिवाइस, जिसमें हमने क्या बना लिया है, फ्लो बना लिया है फ्लूइड का, स्ट्रीम लाइन। इसकी डेंसिटी हमने ले ली स्टूडेंट्स रो। यहाँ का एरिया जो हमने माना है वो माना है स्टूडेंट्स ए, ठीक है, ए वन ले लेते हैं। और यहाँ का एरिया जो हमने माना है स्टूडेंट्स वो ले लिया है ए टू। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करें, हमने अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड को रिफरेंस मानेंगे, यानी कि जितनी भी चीज़ें लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ग्राउंड से लेंगे, ठीक है। तो ये वाली हाइट हमने मान ली कि ये जो सिरा है इसकी हाइट है h2 एंड ये जो एंड है इसकी हाइट है यहाँ से ग्राउंड से h1, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड से हाइट दी हुई है इस पाइप की। अब देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी वी वन मानूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी v2 मानूँ, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट एक ले लूँ a, और यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ले लूँ एक b, तो मैं क्या करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये फ्लूइड अंदर जा रहा है, देखिए ये फ्लूइड इसमें बह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया था फ्लूइड के ऊपर क्या होता है, कभी भी किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर कोई कंटेनर में कोई फ्लूइड रखा हुआ है तो उस पर हमेशा एक प्रेशर वर्क करता है, ठीक है। उसमें फ्लूइड में क्या होता है, एक प्रेशर होता है, यानी कि
फ्लूइड के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे कोई फोर्स डेवलप हो रहा है क्या स्टूडेंट, कोई फोर्स डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर मानूँ, तो मैंने मान लिया ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है पी ए, या फिर इसको मैं मान लेता हूँ पी वन, कितना मान लेता हूँ पी वन मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है इसको मैं मान लेता हूँ पी बी। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँगा स्टूडेंट्स, फोर्स परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर को होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि फ्लो किधर है, फ्लो जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है ना, इधर से अंदर जा रहा है और इधर से निकल के बाहर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर, तो फोर्स किधर लग रहा है इधर, फ्लूइड के परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लगता है ना, परपेंडिकुलर सरफेस पे फोर्स लगता है। तो ये होता है एफ परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ए पॉइंट पे एफ परपेंडिकुलर यानी एफ ए की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो मैं लिख दूंगा पी वन इंटू ए वन, ये हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू, सॉरी फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूँ, फोर्स परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या इधर की तरफ होगा। भैया फोर्स क्या होता है, फ्लूइड पर परपेंडिकुलर, जो सरफेस होती है उस पर परपेंडिकुलर लगता है ना, तो ये फ्लूइड की सरफेस, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, इधर किधर लग रहा है अंदर की तरफ, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे जो अगर मैं फोर्स की बी पॉइंट पे वैल्यू लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस पी टू इंटू ए टू, नहीं बात समझ में आई आपको। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पानी अंदर जा रहा है, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है अंदर की तरफ, एंड जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो भी अंदर की तरफ एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पानी का क्या कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है, पानी कहाँ जा रहा है बाहर निकल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बाहर की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है स्टूडेंट्स अंदर की तरफ, बात समझ में। इस वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, निगेटिव साइन आ गया, ठीक। तो क्या अगर मैं ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे वर्क डन लिखना चाहूँ, तो क्या मैं वर्क डन भी लिख सकता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स वन, कितना मान लिया हमने, इस पॉइंट पे हमने डी एक्स वन डिस्प्लेसमेंट मान लिया, और इस पॉइंट पे हमने इसका डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया स्टूडेंट्स डी एक्स टू मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आई अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है डी एक्स वन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने मान लिया है डी एक्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन एट ए पॉइंट। ए पॉइंट पे अगर हम लोग वर्क डन लिखना चाहें, तो हम लोग क्या लिखेंगे फोर्स, फोर्स कितना है यहाँ पे पी वन इंटू ए वन, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें ए पॉइंट पे, तो फोर्स कितना है पी वन इंटू ए वन, तो यहाँ पे फोर्स लिखेंगे पी वन इंटू ए वन इंटू, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमने माना है डी एक्स वन, ये हो गया ए पॉइंट पे वर्क डन, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या आ गया वर्क डन। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर वर्क डन निकालना चाहूँ बी पॉइंट पे, तो मैं क्या लिखूँगा वर्क डन एट बी पॉइंट इक्वल टू पी टू इंटू ए टू इंटू डी एक्स टू, ठीक है। अगर मैं इस फ्लूइड को फ्लो होने में नेटवर्क डन, यानी कि ये जो फ्लो मैं पाइप के अंदर करवा रहा हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको करवाने मुझे टोटल वर्क डन कितना लगा, यानी अगर मैं डब्ल्यू नेट की वैल्यू निकालना चाहूँ, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सब क्या है, अगर मैं पूरे टोटल वर्क डन निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, या चिन्ह लिख सकता हूँ, जब नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे सारे जितने भी वर्क डन है उनको ऐड करते जाएंगे, टोटल हमारा निकल आएगा। हमने क्या किया इनको ऐड किया, और यहाँ पे देखिए ये निगेटिव साइन भी आएगा साथ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही ए पॉइंट पे जब हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे पी वन ए वन डी एक्स वन माइनस का, देखिए प्लस है लेकिन ये वाला साइन क्या है डिस्प्लेसमेंट इधर, सॉरी फोर्स इधर था डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, और ये हो गया पी टू ए टू डी एक्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया नेट वर्क डन आ गया हमारा, क्या आ गया नेट वर्क डन आ गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है ए वन डी एक्स वन और ए टू डी एक्स टू, ये क्या है बेसिकली वॉल्यूम है, ये क्या है हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, ये क्या है वॉल्यूम होता है, बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है अपने पिछले लेक्चर का, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने क्या देखा था, जितना मास एक एंड से एंटर करता है उतना ही मास क्या होता है
ये दूसरे एंड से बाहर निकलता है। तो मास को हम लोग कैसे रिलेट करते थे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिलेट करते थे। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ वॉल्यूम की, तो जितना वॉल्यूम इस एंड से अंदर जाएगा, जितने वॉल्यूम का वाटर इस वाले ए वाले पॉइंट से अंदर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम का वाटर क्या यहाँ से बाहर जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या चीज़, एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू, यहाँ क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या लिखूँगा यहाँ पे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यही होती है। यहाँ पे V1 और V2 क्या होता है, मैंने पीछे पहले भी बताया क्या होती है, वेलोसिटी होती है, नॉट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको किससे रिलेट करना चाहूँ, वॉल्यूम से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जितना वॉल्यूम का वाटर यहाँ गया उतना ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A1 dx1 इक्वल टू A2 dx2, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसके मदद से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इतनी बात आपको समझ में आई, देखिए बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट प्रूव होगा, इसके बेसिस पे कई सारी एप्लीकेशन बनी हुई है, इस वजह से हमको ये थ्योरम पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम इक्वल, यानी A1 dx1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, A2 dx2 के, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, सेम। अब इसको क्या मैं dV मान सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इसको एक वॉल्यूम मान लिया, क्या dV, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, dV के बराबर मान लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर मैं W नेट की वैल्यू देखना चाहूँ, तो मैं W नेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P1 माइनस P2 इंटू में dx लिखूँगा, क्योंकि A1 dx क्या मान लिया हमने, dV, और ये dV हमारा आ गया कॉमन। तो नेट वर्क डन स्टूडेंट्स कितना आ गया, P1 माइनस P2 इंटू dV, इसको हमने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन आपको याद होगा क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन स्टूडेंट्स, तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है हमारा वर्क डन, यानी W नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, ठीक है। यानी जितना भी वर्क डन है हमारा, जितनी भी फोर्स के कारण जो वर्क डन आया, टोटल वर्क डन, वो किसके बराबर होता है, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा वर्क डन नेट, यानी नेट वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है, एनर्जी में जो चेंज आया, यही हमारी होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि W नेट हमने कितना निकाल रखा है, P1 माइनस P2 इंटू dV, तो कंजर्वेटिव का फोर्स हम लोग उधर लेके जाएंगे अभी, देखिएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब वर्क डन लिखूँगा तो लिखूँगा P1 माइनस P2 इंटू dV इक्वल टू, अब मुझे लिखना है चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो टाइप की एनर्जी है, पहला तो फ्लूड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से जब फ्लो कर रहा है तो यहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल और फाइनल में मैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर चेंज इन एनर्जी को, तो मैं क्या लिखूँगा, एनर्जी फाइनल में कितनी थी और एनर्जी इनिशियल में कितनी थी, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी फाइनल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, के फाइनल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे अगर मैं इनिशियली एनर्जी लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि चेंज इन एनर्जी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, P1 माइनस P2 इंटू dV, यानी हमारे नेट वर्क डन के बराबर। अब मैं अगर ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv², लेकिन हमको m मास का तो कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, हमको इसकी जगह पर क्या दी हुई है स्टूडेंट, डेंसिटी दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम हमने कितना मान रखा है, dV मान रखा है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे,
तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है कि हाफ एम की जगह पर कितना रखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम हमने कितना माना है, डी वी इंटू में वी स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको मान लेंगे वी वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, वी वन है। ये आ गई हमारी ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसी तरह बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ यानी के ई एट बी पॉइंट, तो मैं लिखूँगा हाफ रो डी वी इंटू वी टू का स्क्वायर। ये आ गई बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जब, तो क्या लिखूँगा, हाफ रो डी वी इंटू वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब मुझे लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ए पॉइंट पे एम जी एच, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो क्या हो जाएगी, एम की जगह क्या लिख देंगे, रो इंटू वी यानी रो इंटू डी वी इंटू जी इंटू एच। ये आ गई ए पॉइंट पे। इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, रो इंटू जी इंटू एच इंटू डी वी। और यहाँ पे एच क्या लिखेंगे, ए पॉइंट पे जो हाइट है ग्राउंड के रेफरेंस से, मैंने बताया था ग्राउंड को रेफरेंस मानते हुए लेंगे, तो जो हाइट है ग्राउंड की वो यहाँ पे कितनी है, ए पॉइंट पे एच वन एंड बी पॉइंट पे कितनी है एच टू। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा फाइनली, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ये वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी रो इंटू जी इंटू एच टू और डी वी रहेगा साथ में, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल का पूरा केस, निपट गया। अब माइनस का साइन लगाएंगे, अब लिखेंगे इनिशियल वाला। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में लिखती है हाफ रो डी वी इंटू, सॉरी यहाँ पे वी टू है, यहाँ पे कितना है वी वन स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे रो जी एच वन इंटू डी वी। यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी लिखनी है ना, तो फाइनल कितनी वेलोसिटी, वी टू। अब ये हो गया मेरा पूरा टर्म, ये किसके बराबर होगा, ये होगा डब्ल्यू नेट के बराबर। आप लोग पहले इतना नोट करिए, फिर मैं इसको पूरा अच्छे से प्रूव करके दिखाता हूँ। बस दो लाइन का है, आप लोग पहले इसको नोट करिए फटाक से जल्दी से, ठीक है। नोट हो गया ये, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्म रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं नोट हुआ है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हुआ, अब देखिए मैं क्या करूँगा, P1 माइनस P2 यहाँ के बाद मैं यहाँ आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर ऐसे मैं एरो बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू डी वी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रो वी वी टू स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको सब जगह डी वी कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी डी वी, यहाँ भी डी वी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैं क्या करूँगा, सारा डी वी कॉमन ले लूँ। तो मैंने क्या किया, डी वी को कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा कितना, हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब मैं अगर ये ब्रैकेट हटाता हूँ तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच वन, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये डी वी से ये डी वी कैंसिल हो जाएगा, यानी वॉल्यूम वाला टर्म कैंसिल, क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम की। तो अगर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ से डी वी से डिवाइड कर दो या फिर डी वी कॉमन लेके उड़ा दो, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बात करूँ पी वन माइनस पी टू, तो पी वन माइनस पी टू की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच वन। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, P1 को इधर रहने देता हूँ, P2 को उधर भेज देता हूँ, वो V1 और H1 वाला टर्म इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो, ठीक है, V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये जो रिजल्ट आपका लास्ट में निकल के आया है ना, इसी का नाम होता है स्टूडेंट्स बर्नौलीज थ्योरम। क्या नाम होता है, बर्नौलीज थ्योरम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है ये, ठीक है, इससे कई सारी चीज़ें प्रूव होती है हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यही है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई ना।
तो ये था हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको फटाक से जल्दी से पूरा नोट करिए अच्छे से। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आराम से मैंने समझाया है आपको ये टॉपिक, जल्दी से नोट करिए इसको। स्टूडेंट चलिए, हमने क्या पढ़ लिया अभी, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यही बर्नौलीज थ्योरम से रिलेट करता है। तो जल्दी से बताइए, अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था बर्नौलीज थ्योरम की, कौन सी इक्वेशन लिखी थी, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, यही तो थी हमारी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी निकल के आई थी। अब आप लोग हेडिंग डालिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। ठीक है, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है। यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे जो क्या है, ग्राउंड से सेम लेवल पे। अभी बर्नौलीज थ्योरम में मैंने क्या देखा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पाइप की हाइट थी वो अलग अलग थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीज़ के ऊपर ऐसे फ्लूइड के ऊपर, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे जो क्या होंगे, ग्राउंड से सेम लेवल पे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं एक डिवाइस, मतलब एक पाइप ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, मस्त एकदम फ्लूइड इस तरीके से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया है A2 और ये वाला एरिया हमने मान लिया है A1। ठीक है, डेंसिटी क्या है, रो। अब ये जो A1 की वैल्यू है इसको मैंने मान लिया स्टूडेंट्स A और A2 की वैल्यू मान लिया है 2A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है, सेम लेवल पे एक ये A पॉइंट ले लिया और इसी सेम लेवल पे हमने क्या किया, एक B पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, ग्राउंड से सेम लेवल पे हैं। तो अगर मैं बात करूं बर्नौलीज थ्योरम की, तो यहाँ पर क्या होगा, रो जी एच वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं जान जाऊंगा कि ये क्या होगा, एच वन बराबर एच टू इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ एच, तो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम हाइट पे हैं। तो अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही तो मैं लिखूंगा, यहाँ से यही मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ अभी क्या करना चाहूँगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लूँ क्या V1, इसकी वेलोसिटी मान लूँ V2, तो मैं देखिए क्या आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी V1 मानी, यहाँ पे वेलोसिटी V2 मानी, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होगा, हमको एक रिलेशन मिलेगा वेलोसिटी में। ठीक है, एक वेलोसिटी में रिलेशन मिलेगा, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे। तो क्या होती है, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू इंटू वी टू। अब यहाँ पे ए वन की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, ए, तो यहाँ रखेंगे ए इंटू वी वन की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी वन ही है, इक्वल टू अगर मैं बात करूँ ए टू की वैल्यू तो वो कितनी दी है, टू ए, और अगर वी टू की बात करूँ तो ये कितना है, वी टू। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ किसकी वैल्यू, वी टू की वैल्यू, ठीक है, या फिर अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे वी वन की वैल्यू, तो कितना आएगा, ये ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो वी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू वी टू। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो वी वन की वैल्यू है, जो V1 की वैल्यू है वो V2 से बड़ी है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो V1 की वैल्यू है वो क्या है, V2 से बड़ी है, यानी V1 दो गुना है किसका,
वी टू का टू टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या देखा, वी वन है बड़ा वी टू से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बर्नौली थ्योरम। क्या करेंगे, अप्लाई बर्नौली, ठीक है, थ्योरम। तो जब हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, रो जी एच वाला टर्म कैंसिल, इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ पी वन माइनस पी टू, अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर मानूँ पी वन और बी पॉइंट पे प्रेशर मानूँ पी टू, तो यहाँ पे अगर मैं पी वन माइनस पी टू निकालना चाहूँ तो मैं लिखूँगा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस का वी वन स्क्वायर। लिखूँगा ये चीज़, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अगर P1 माइनस P2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ रो, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में V1 की वैल्यू क्या है, बड़ी। V1 की वैल्यू क्या है, बड़ी, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ से क्या देखना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं एक बार देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी निकाली है V1 की वैल्यू, वो किससे बड़ी है, V2 से बड़ी है। तो यहाँ पे जो ये वाली क्वांटिटी होगी ये क्या निगेटिव आ जाएगी, जब हम लोग यहाँ पे V1 की वैल्यू रखेंगे तो V1 की वैल्यू क्या है, V2 से बड़ी। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारी, ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी निगेटिव में। समझ में आ गई ना बात, अगर ये चीज़ निगेटिव में आ जाती है तो देखिए क्या होता है, पी वन माइनस पी टू क्या आ गया, निगेटिव। तो जब P1 माइनस P2 हमारा निगेटिव आ गया तो मैं ये बोलूँगा कि P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी P2 क्या है, बड़ा है P1 से। बात समझ में आ रही है ना, देखिए ये वाली क्वांटिटी क्या, निगेटिव, तो P1 माइनस P2 क्या होगा, ठीक है, ये भी निगेटिव आएगा। यानी मैं बोलूँगा जो प्रेशर एट B पॉइंट है, यानी जो P2 की वैल्यू है वो क्या है, P1 से बड़ी। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, आपको तो पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ा रहे हो, प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही तो देखिए निकाला नहीं, पी टू पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, एरिया क्या है, ज़्यादा। ये तो मिसकंसेप्शन हो गया भाई, क्या हुआ, मिसकंसेप्शन हो गया। तो इस टाइप के मिसकंसेप्शन अपने को यहाँ पे नहीं पालने हैं। यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, प्रेशर और वेलोसिटी का देख रहे हैं, हमको एरिया से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहीं पे एरिया वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, यानी कि प्रेशर वेलोसिटी जो सेम लेवल के ऊपर हम लोग प्रेशर देखेंगे, यानी बर्नौली थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमको एरिया से कोई लेना देना नहीं होगा। हम लोग किसकी बात करेंगे, केवल और केवल प्रेशर की बात करेंगे और वेलोसिटी की बात करेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे जिस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा, जिस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, जिस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, और जिस पॉइंट पे प्रेशर कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, बी पॉइंट पे, तो वहाँ वेलोसिटी क्या है, कम। ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कम, तो वहाँ वेलोसिटी है ज़्यादा। हमको एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है कि एरिया बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का मिसकंसेप्शन था, इसको ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी का रिलेशन, जो कि अभी हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम की वहाँ पे काम में आएगा थोड़ा सा, ठीक है, वेंचुरी मीटर के अंदर। तो यहाँ पे समझ गए ना कि हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम, और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, यानी जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, और जहाँ पे एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। एरिया से हमको लेना ही लेना नहीं फिलहाल, हमको किससे लेना लेना, प्रेशर और वेलोसिटी से। तो ये किस्सा आपको अच्छे से समझ में आ गया ना केस, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया, चलिए इसी के ऊपर अब क्या है ना, ये जो प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का फंडा है ना, बड़ा ज़बरदस्त फंडा है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें हमारी बनी हुई हैं, जितना भी छतों का उड़ना, प्लेन का उड़ना, ठीक है, ऑटोमाइज़र जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, फिशपिट जो आप लोग नाई की दुकान पे ऑटोमाइज़र उसको बोलते हैं, जो आप लोग नाई की दुकान पे जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपको फिशपिट मारता है, उसके बाद आपके बाल काटता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमाइज़र बोलते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऑटोमाइज़र के बारे में, ऑटोमाइज़र क्या होता है ये,
एटोमाइज़र, ठीक। तो कुछ इस टाइप का होता है आपका एटोमाइज़र, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बनाते हैं इसको, जो लेटेस्ट वाला है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से होता है जो दुकान पे आपको मिलता है। ठीक है, तो ये नाई की दुकान पे इस टाइप का होता है एटोमाइज़र। यहाँ पे क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, जैसे ही वो ऐसे करके पुश करता है ना, वैसे ही वो क्या करता है, जब इसको ऐसे पुश करता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होती है एयर। यहाँ पे क्या होती है, अभी तो जब ये पुश नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। और एयर भरी हुई है, इसने क्या किया, जैसे ही इसको पुश किया तो पुश करने से क्या किया, इसने सारी एयर को बाहर निकाल दिया। सारी एयर को जैसे ही बाहर निकाला, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या कर दिया भाई, इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को x मानूँ, इस पॉइंट को y मानूँ, तो x पॉइंट पे प्रेशर क्या कर दिया, इसने x पॉइंट पे प्रेशर कम कर दिया y पॉइंट से। इसने क्या किया, जैसे ही पुश किया एयर बाहर, तो प्रेशर कम हो गया वाई पॉइंट से। अब यहाँ का प्रेशर क्या है, मेंटेन है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ये जो फ्लूइड भरा है ये ऊपर धक्का मारेगा, तो ये फ्लूइड ऊपर धक्का मारता है और बाहर आता है। यही खेल होता है, सारा खेल किसका होता है, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, सॉरी यहाँ प्रेशर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो एकदम तेज़ी से पानी निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा, तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ मारता है, खटाक से बाहर आता है। बात समझ में आ गई ना, तो ये क्या होगा भैया, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, कम प्रेशर, सॉरी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी ना, तो ये खटाक से बाहर आता है। बात समझ में आ गई, यही खेल था ऑटोमाइज़र का। अब देखिए, जैसे हमारे जो होते हैं, मतलब प्लेन लेन उड़ते हैं, वो किस तरीके से उड़ते हैं, जो प्लेन के विंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे बनाए जाते हैं, मतलब जो प्लेन के विंग्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से बनाए जाते हैं कि वो ऊपर की हवा को ज़्यादा काटे और नीचे की हवा को कम काटे। तो जैसे ही वो ऊपर की हवा को काटते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि ऊपर की हवा को काटते हुए वो जब जाते हैं, तो ऊपर का प्रेशर वो क्या करते जाते हैं, क्लियर आउट करते जाते हैं, और नीचे का प्रेशर मेंटेन रहता है। तो नीचे वाला प्रेशर क्या करता है, ऊपर वाले प्रेशर को, मतलब नीचे वाला प्रेशर क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ पुश करता है और प्लेन उड़ जाता है। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में लकड़ी के घर बने होते हैं, जैसे आप लोग जापान वापान में देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे तूफान आया करते हैं, आंधियाँ आया करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लकड़ी के घर बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आराम से छतें आते हैं, आराम से उड़ती रहती हैं। कैसा होता है, तो वहाँ पे क्या केस होता है, यही खेल होता है, प्रेशर वेलोसिटी का ही पूरा खेल होता है, ठीक है, इसी का पूरा खेल होता है, बर्नौलीज़ थ्योरम पे ही डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो देखिए क्या होता है, देखिए जब क्या होता है, जब आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, तो वहाँ लकड़ी के घर बने हुए होते हैं, तो जो एयर मॉलिक्यूल होती है, एयर मॉलिक्यूल जो होती है वो क्या करती है, ऊपर का प्रेशर क्लियर आउट करती जाती है। और भैया जब आंधी तूफान आती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप लोग एकदम खिड़की दरवाजे खुले हुए रखते हो कि भैया आओ हवा आए, ठीक है, तो हवा के साथ साथ धूल मिट्टी भी आती है, इस वजह से क्या होता है, आप लोग क्लोज कर लेते हो कि हमारा घर गंदा ना हो, हम लोग साफ़ सुथरे घर में रहें, ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या होता है, यहाँ पर एकदम गंदा ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे क्लोज कर लेते हैं। तो खिड़की दरवाजे क्लोज करके हमने क्या किया, घर के अंदर का प्रेशर तो मेंटेन कर दिया, बात समझ में आ रही ना, घर के मतलब कि अंदर का प्रेशर हमने मेंटेन कर दिया, और ऊपर का प्रेशर क्या कर दिया, हवा क्लियर आउट कर दी। तो ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर डिफरेंस आया, नीचे वाला प्रेशर क्या करेगा, ऊपर की तरफ उसको फोर्स मारेगा, और जैसे ही फोर्स मारा छतुरी गायब। बात समझ में आ रही है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, छतें उड़ जाती हैं, जो कि क्या है, हमको किससे पता चला, बर्नौलीज़ थ्योरम से ही पता चला। नहीं हमको क्या, रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब जैसे फिश नाई की दुकान पर जाते थे तो क्या हमको पता था ऐसा खेल होता है, तो पानी बाहर आता है, हम तो सोचते थे वो दबाता है, एक नली पड़ी होती है उससे आता है, लेकिन वो कैसे आता वो चीज़ आज पता चली ना। चलिए, यही सारी चीज़ें हैं जो हमको क्या हुआ, बर्नौलीज़ थ्योरम से पता चली, और कुछ मैकेनिकल डिवाइस बनाई गई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना केस आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, जैसे कभी कभी आप क्या होते हैं, स्टेशन पे जाते हैं तो बोलते हैं ट्रेन जब आ रही हो तो उनके ज़्यादा पास मत खड़े होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन जो होती है अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसा कुछ बोलते हैं,
या फिर अगर आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे तो जिसके बड़े बाल होते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग जब कभी खड़े होंगे तो क्या होता है, जब ट्रेन आपके आगे से निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि वो आपको अपनी तरफ जैसे लग रहा है घसीटे दे रही है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसी वजह से होता है, सारा यही खेल होता है भैया। वो क्या करती है ट्रेन, क्या कर रही है आपके आसपास, क्या है, पूरा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप ऐसे खड़े हुए हैं, ट्रेन क्या हुई एकदम स्पीड में निकली और उसने क्या किया, जो आपके आगे का प्रेशर है उसको क्या कर दिया, क्लियर आउट, और पीछे वाला प्रेशर क्या है, मेंटेन, तो पीछे वाला प्रेशर क्या करता है, आगे की तरफ आपको फोर्स मारता है और आपको लगता है कि क्या हो रहा है भैया, हम खींचे चले जा रहे हैं आगे की तरफ। या फिर कभी कभी जब आप लोग हाईवे ट्रैक पे कभी साइकिल लेके निकले हो या फिर छोटी गाड़ी कभी निकली हो, कार वार में बैठे हो और बगल से क्या हो, कभी ट्रक निकल जाए या बड़ी गाड़ी कोई निकल जाती है स्पीड में, तो ऐसा लगता है अचानक से हमारी साइकिल या कोई चीज़ डिसबैलेंस हो गई, जिससे हम लोग जा रहे हैं वो क्या हुआ, अगर उससे छोटा है तो वो क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है या फिर उसकी तरफ भाग रहा है, ऐसा होता है ना, वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, कुछ इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होता है, लेकिन होता जरूर है, बात समझ में आई ना, तो क्या होता है, ऐसा होता है कि इस तरीके से, तो ये सारा इसी का फंडा है, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का, यानी कि सारा का सारा यही फंडा है। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है टॉरिसेलीज इक्वेशन। तो आप लोग हेडिंग डालिए जल्दी से, टॉरिसेलीज इक्वेशन, हेडिंग डालिए टॉरिसेलीज इक्वेशन। ठीक है, टॉरिसेलीज इक्वेशन हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए फटाक से, ठीक है, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इसका जो यूज़ है, देखिए टॉरिसेलीज इक्वेशन क्या है, जब किसी कंटेनर में, ठीक है, कोई फ्लूइड भरा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, छेद होता है, मान लीजिए अगर हमने उस कंटेनर में छेद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, पानी फ्लो होना चालू होता है, तो इसका जो यूज़ होता है वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने के लिए होता है, किसके लिए होता है, इसका जो यूज़ होता है टॉरिसेलीज इक्वेशन या फिर टॉरिसेलीज थ्योरम का, वो किसके लिए होता है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए होता है, अभी मैं इसके प्रूव कराऊंगा, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए, देखिए this theorem is about the calculation of this theorem is about the calculation of this theorem is about the calculation of efflux velocity the calculation of efflux velocity of a fluid flowing out of a fluid flowing out through a hole in the container, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया इस टाइप से कंटेनर, ठीक, कंटेनर में भरा पानी और यहाँ से कर दिया एक छेद, एक होल कर दिया, अब यहाँ से क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है, तो हमको क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है इफ्लक्स की, ये जो पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे बी, और ये जो फ्री सरफेस है ना, इसकी हाइट दी हुई है फ्री सरफेस से इस होल की एच, ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कैसे हम लोग करेंगे, ये सिंपल सा है, बर्नौली थ्योरम पे ही बेस्ड है टॉरिसेलीज इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा क्योंकि बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना आता नहीं है जल्दी से लोगों को, पढ़ तो लेते हैं लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो नहीं आता, तो जल्दी से देखिए हम बताते हैं कैसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई बर्नौली, ठीक है, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, तो जब बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमने मान लिया यहाँ पे प्रेशर कितना है पी नॉट, हमने क्या मान लिया यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, तो ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो ए पॉइंट पे मैं क्या लिखूँगा, पी नॉट प्लस बर्नौली थ्योरम जब मैं अप्लाई करूँगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच वन, ठीक है, क्या लिखूँगा, यानी रो जी एच, और ये एच कहाँ से ली गई है, फ्री सरफेस से, एच जो हमेशा मेजर करा जाएगा, ऑलवेज फ्री सरफेस से ही मेजर किया जाएगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, नीचे से मत मेजर कर लेना गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ से करेंगे,
हमेशा फ्री सरफेस से ही एच मेजर करेंगे, तो यहाँ पी नॉट प्लस रो जी एच, क्या यहाँ पे वेलोसिटी वाला टर्म आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे अगर मैं कंटेनर के अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे तो पानी रेस्ट में है ना, यहाँ पे क्या है, पानी रेस्ट में है, तो यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म नहीं आएगा। इक्वल टू में अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, हाफ रो वी स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? यहाँ पे क्या रह जाएगी, ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हाफ रो वी स्क्वायर, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो से रो भी शहीद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी 2gh, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है स्टूडेंट अंडर रूट 2g इंटू h, यही होती है हमारी टॉरिसेलीज इक्वेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बोलते हैं स्टूडेंट। समझ में आ रही है बात? अच्छे से आ गई ना आपको समझ में? यही होती है क्या हमारी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग करते हैं इस पर कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट से। नोट हो गया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर बेहतरीन सा। ये सारी चीज़ें देखिए कितनी, यहाँ से देखिए हमको क्या निकला, टॉरिसेलीज इक्वेशन निकली, यानी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। यदि किसी कंटेनर में कहीं पे छेद कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से पानी निकल रहा है उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसकी वजह से? बर्नौली थ्योरम की वजह से। इस वजह से बर्नौली थ्योरम क्या हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स? चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है हमारा, थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या, चलो सीधा बना लो। ये आ गया हमारा एक कंटेनर, ठीक है, इस टाइप से। इसमें हमने क्या भर दिया, फ्लूइड भर दिया, और इसमें जो फ्लूइड भरे हमने वो दो टाइप के फ्लूइड भरे, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाली जो हाइट है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये आपको दी हुई है h, और ये वाली जो हाइट है ये आपको दी हुई है 2h, ठीक है, और ये जो डेंसिटी है इसकी दी हुई है 2ρ, और इसकी दी हुई है ρ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे छेद कर दिया, इसमें हमने क्या किया है, नीचे छेद कर दिया। अब यहाँ से पानी क्या होगा, फ्लो होगा, तो यही हमको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, हमको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी बतानी। तो हमने क्या बताया, सेम फिर से क्या करेंगे, वही पॉइंट मेजर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट ए, यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट बी। अब क्या करो भैया, अप्लाई करो बर्नौली थ्योरम, अभी हमने सिखाया आपको, अप्लाई बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो जब बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पॉइंट पे अगर हमको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस, इसकी वजह से लिखेंगे। देखिए हमने बताया था, अगर किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा डेंसिटी के फ्लूइड भरे हुए हैं और हमको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू लिखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रेशर को ऐड करते जाते हैं, सारे फ्लूइड को क्या करते जाते हैं, इस फ्लूइड के कारण जितना प्रेशर, इस फ्लूइड के कारण जितना प्रेशर, उसको क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा P नॉट प्लस, कितना हो जाएगा, 2ρg इंटू h प्लस रो जी इंटू 2h, क्योंकि ये वाली हाइट कितनी है, h, डेंसिटी है 2ρ, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में p नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी। अगर हमने इसकी क्या मान ली है, v मान ली, तो कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो वी स्क्वायर। p नॉट से p नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4ρg इंटू h इक्वल टू में हाफ रो वी स्क्वायर। अब यहाँ रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वी स्क्वायर की, तो आ जाएगी 8gh, और वी की बात करें तो आ जाएगा अंडर रूट 8gh। तो इस तरीके से ये हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ
ई फ्लक्स। तो इसी टाइप के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो ये सीरीज इक्वेशन से, जहाँ पे आपको इस तरीके का लिक्विड दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या, तो ये सीरीज इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बताइए। ठीक है, ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आ गई। तो आई होप आपको इसके बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको आज हमने क्या पढ़ाया, बर्नौली थ्योरम पढ़ाया, ठीक है, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट बताया, उसकी एप्लीकेशन में पढ़ाया टॉरिसेलीज इक्वेशन को। ठीक है, आज हमने क्या किया, बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, बर्नौली थ्योरम, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे एप्लीकेशंस का बर्नौली थ्योरम पे, जिसका नाम है वेंचुरी मीटर, और करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ वेंचुरी मीटर को लेकर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो ना स्टूडेंट्स, तो एक लाइक ठोक देना और आराम से इस वीडियो को सॉल्व, मतलब कि क्या कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, बात समझ में। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो वीडियो की है वो आपको मिले सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।